ये कैसी चढ़ाई है, अभी तो हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ से लेंगे व्यू के मजे। हेलो गाइज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो होप आप सब बढ़िया होंगे हमारी तरह। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीजे फिल्म्स। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए फिर से इन पहाड़ों की वादियों में, और मेरे साथ है नबदी। हाल है दोस्तों, सारे दोस्त बढ़िया हैं। तो यहाँ से नैनीताल है 3-4 किलोमीटर ही है दोस्तों, तो फिर हम लोग अभी पहुँचते हैं नैनीताल। उसके बाद हम लोग जाएंगे चाइना पीक, जो कि कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पहली बार जा रहे हैं, पैदल रास्ता भी है। तो फिर अभी हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नैनीताल से चाइना पीक का रास्ता कहाँ पर है, ना हमने कोई इसका वीडियो देखा, ना हमने इसके बारे में हमको कुछ अभी पता ही नहीं है। तो हम लोग अभी सबसे पहले पहुँचते हैं नैनीताल, उसके बाद खोजते हैं कि चाइना पीक का रास्ता कहाँ से। उसके बाद वहाँ से पैदल ट्रैक भी है, जो कि है 2-3 घंटे का, लगभग 2 घंटे का बोलते हैं। अब देखते हैं हमें कितना लगता है समय। मैन वर्सेस वाइल्ड का आज यहाँ पे पूरा शूट करेंगे हम लोग, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको कम टाइम पे ज्यादा ऊपर पहुँचना है, नीचे भी और नीचे भी। भैया ठग लाइफ होना चाहिए। ओहो वाह, क्या बात है। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ पे मौसम है। तो अभी हम लोग आ रहे थे अपनी बुलेट से, जो कि यहाँ पे अलग ही चमक रही है भाई, मस्त लुक आ रहा है एकदम। ये देखिए दोस्तों, तो फिर मेरे चैनल डीजे फिल्म्स को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं सीधे नैनीताल की तरफ। तो दोस्तों अभी आने वाला है नैनीताल, हमारे आगे है नैनीताल की खूबसूरत झील। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे माल रोड से। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नजारा है भाई, मजा आ रहा है देख के वैसे ना। देखिए दोस्तों खूबसूरत माल रोड, क्या शानदार लग रही है। और इसके बगल में है नैनीताल का ताल, एकदम से स्पीचलेस हो गए यार हम तो भाई। इसको देख के भाई बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। जब हम लोग छोटे थे तो फिर हम लोग सोचते थे कि चाइना पीक से चाइना दिखता है भाई। हम सोचते थे कि चाइना पीक से चाइना दिखाई देता है, अभी नहीं है। आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर पता करेंगे कि वहाँ पर वहाँ से दिखता कैसा है और वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो अभी दोस्तों अभी हम लोग हैं नैनीताल के मार्केट में, और फिर यहाँ से है चाइना पीक 3 किलोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो यहाँ पे स्कूल के आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। ये है नैनीताल का हाई कोर्ट, ये जो आप देखिए आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये है नैनीताल का हाई कोर्ट। और जो सबसे ऊपर जो आपको वो जो चोटी दिखाई दे रही है वो ये चाइना पीक। तो यहाँ पे हल्का फुल्का तो सामान ले लिया है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर तो हमको लग नहीं रहा है कि वो शॉप होगी। ऊपर शॉप है आंटी जी? अच्छा अच्छा, तब भी हमने पहले ले लिया सही का। चलो सही सही किया हमने, आने वाले वैसे पहले के लिए। यहाँ पे इतनी ज्यादा चढ़ाई है, तो फिर हम लोग की यहाँ पे बुलेट खड़ी हुई है। और ये है देखिए चाइना पीक जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे चाइना पीक। और ऊपर से बहुत ज्यादा बढ़िया व्यू आता, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस व्यू को देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं चाइना पीक के मेन एंट्रेंस पे, जहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है, और ये ट्रैक है 3 किलोमीटर का। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है, तो हेलमेट भी हमने यहाँ पे मैगी पॉइंट पे दिए हैं। यहाँ से आप चाइना पीक जाइए, रास्ते में दुकान है, यहाँ से सामान ले जाइए आप, आगे कुछ नहीं मिलेगा, पानी वाटर बोतल वगैरह। 3 किलोमीटर का आपका ट्रैक है, रास्ते में प्यास लगती है, और उसके बाद आपको वहाँ जाके फुल व्यू ऑफ नैनीताल एंड पूरा हिमालय दिखाई देगा, उसमें नन्ना देवी, त्रिशूल, पंचोली और बद्रीनाथ की चोटियाँ ये सब दिखाई देंगी पूरे एक लेयर में। इस साइड को है जो उत्तर साइड को, इस साइड को आपको वो दिखाई देगा, और फिर यहाँ हमको दिखाई देगा खूबसूरत नैनी झील। खूबसूरत नैनीताल का फुल व्यू यहीं से दिखाई देता है। अच्छा, पूरा एक एक कोना दिखाई देगा, और बीच में लेक दिखाई देगी आम की तरह की। तो ये सारा व्यू जो है नैनीताल का, और सारी पहाड़ियाँ ऊपर जाके डाउन हो जाएंगी। हाँ। और ये सबसे ऊंचे सबसे ऊंचे पे हम लोग आसमान को छूएंगे, ऐसी हाँ। जगह भी। तो फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं और करते हैं चाइना पीक का ट्रैक स्टार्ट, जो कि 3 किलोमीटर का है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है अंकल जी? डेढ़ बज रहा है अंकल जी ने हमें चैलेंज दिया कब तक आते हो करके। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग फुल स्पीड में जाए आगे, और फिर फुल स्पीड में जो ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है इसको फटाफट से पूरा करें दोस्तों। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ट्रैक करने में। सही कहा। तो अभी हमारे 200 मीटर पूरे हो गए हैं, तो अभी हमारी हालत खराब हो गई है यार। जो यहाँ की चढ़ाई है वो एकदम से खड़ी है, और एकदम पथरीला रास्ता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पर थकान भी उतनी ही लग रही है। 1 किलोमीटर भी नहीं चला अभी तो, और अभी से ही हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, और देखिए वहाँ पर हमको नैनीताल का झील अभी विजिबल हो रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो अभी जाते हैं ऊपर, तो ऊपर से और बढ़िया दिखाई देगा। तो जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये है मेन रास्ता यहाँ से, और हमको जाना यहाँ से घूम के ऊपर है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं से शॉर्टकट ले लें। बेसिकली ये है पानी का रास्ता, जब पानी आता है बारिश में नीचे पहाड़ों से, तो ये ऐसे रास्ते से जाता है। ये दोस्तों अब आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है।
आप देख सकते हैं। आ जाओ भाई नवदीप, आ जाओ भाई, सही से आना, पाँव ना स्लिप हो जाए। चल भाई भाई, ये कैसी चढ़ाई है, अभी तो हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी इतना मुश्किल टफ टास्क। दोस्तों अभी हमारा 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया है और यहाँ से 2 रास्ते दिख रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है और यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो हम लोग अभी ले रहे हैं राइट, क्योंकि राइट लेंगे तो कुछ राइट होगा, तो देखते हैं आगे ये रास्ता कहाँ जाता है। तो नवदीप बोल रहा है कि इसको आगे रास्ता दिखाई दे गया है, तो सही है, राइट लेके सही करा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चढ़ाई है दोस्तों, ये देखिए। तो अभी हमारा 1.5 किलोमीटर पूरा हो गया है, तो दोस्तों रास्ता बहुत ज़्यादा थका देने वाला है क्यों भाई? हाँ भाई, सीधी है ना कहीं चढ़ाई, एकदम स्टीप खड़ी चढ़ाई बोल सकते हो आप। 2 किलोमीटर कवर कर लिया है तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी, इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टफ होगा। एक तो हम रुके भी नहीं ना, कंटिन्यू चल रहे हैं, पर ऊपर जाके हम लोग ज़रा सा सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया व्यू आता है नैनीताल झील का। देखिए कुछ टूरिस्ट यहाँ पर भी ऊपर देख के आ रहे हैं। तो भैया अभी कितना हो रहा है, 1 किलोमीटर 200? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों भैया ने जरा अभी मेरी हेल्प करी, वरना हम भी इनकी तरह जरा भटक जाते। सही कहा, पर अभी हम नहीं चलना चाह रहे। भैया ने बोला कि जो हट आएगी वहां से हमको लेफ्ट लेना है। 2 किलोमीटर सही बोला था मैं, 2 किलोमीटर हुए एग्जैक्ट भाई, तो ऐसे ही समझ रहे तुम। भाई पाओ के अंदर किलोमीटर का वो लगा हुआ है, मेरे को तो महसूस जितना चलता है उतना पता चल जाता है, मेरा तो सिक्स सेंस ही है। दोस्तों भी हम लोग थक तो गए हैं, पर हम लोग ऊपर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि जितना हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, तो हमको पता है भाई एकदम से खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हाँ। तो ऊपर से बहुत खूबसूरत व्यू आने वाला है, पीछे देखिए awesome. अभी हमको यहाँ से हिमालय पर्वत की रेंज भी दिखाई दे रही है, देखिए बर्फ़ से ढकी हुई पूरी। तो इतने ऊपर आ गए हम लोग, तो फिर हमको जो ये पहाड़ है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, इसके सबसे टॉप पर जाएंगे और वहां से आपको व्यू दिखाएंगे। स्टाइल। अभी हमने 1/2 किलोमीटर और कवर कर लिया है, तो जो वो भाई हमको हट बोल रहा था, तो हट अभी आ गई है। तो यहाँ से अभी हमको लेना है लेफ्ट। यहाँ पे देखिए चीना बाबा मंदिर भी है छोटा सा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जय हो प्रभु। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ्ट, और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है, देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन में है। यहाँ से 200 मीटर ही रहा है हमारा चीना पीक। रास्ता देखिए दोस्तों आप, मज़ा आ गया, वाह अमेजिंग, क्या व्यू है, एक ही वर्ड निकल रहा है अमेजिंग। और देखिए दोस्तों आगे हमको ये देखिए हल्का सा विजिबल हो रहा है आंखों से, क्या पता आपको नहीं हो रहा हो पॉइंट। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, तो आगे वहाँ पे लग रहा है कि कुछ पॉइंट है बहुत ऊंचा सा और सपाट भी, और उस साइड देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, एकदम हिमालय पर्वत हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारे सामने है, और व्यू देखिए आप, हर जगह बहुत खूबसूरत। तो जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि आगे पॉइंट आने वाला है, ये चढ़ाई है, इसके बाद आएगा वो पॉइंट। देखिए दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं चाइना पीक में, और हम लोग यहाँ से लेंगे व्यू के मज़े। यहाँ पे जो आप ये सामने हमारे पहाड़ों की रेंज देख रहे हैं, यह है पंचाचोली, जो कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और देखिए दोस्तों अब नज़ारा बिल्कुल, हम लोग स्पीचलेस हो गए हैं यहाँ पर आके, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है नैनी झील। और यहाँ से आप नीचे देखिए दोस्तों, एकदम से खाई है। चले आगे, और चलो और आगे चलते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ से बढ़िया व्यू आएगा। देखिए यहाँ पर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, एकदम बढ़िया, तो वहीं पर खड़े होते हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों एकदम, और देखिए हमारे पीछे है नैनीताल का झील, वाह। तो आपको हमारे सर के ऊपर ये चील दिखाई दे रही होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि चील कितनी ऊपर है। और देखिए हम लोग अभी खड़े हैं एकदम चाइना पीक के एकदम पीक पॉइंट पे, जहाँ से हमको नैनीताल झील दिखाई दे रही है। दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, और देखिए ये पूरी वैली कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है,
और इस साइड मेरे पीछे है देखिए पंचाचोली के पहाड़, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ इस लोकेशन में आके। जहाँ से हम लोग आए थे दोस्तों, देखिए हाईकोर्ट वो रहा, वहां से आ रखे हम लोग, तो वहां पर हमने अपनी बाइक को पार्क करा। उसके बाद हम लोग आ रखे 3 किलोमीटर पैदल। पर ये 3 किलोमीटर जो हमने करे वो बहुत ज्यादा टफ थे दोस्तों, ये एकदम थका देने वाला एक्सपीरियंस था। पर यहाँ पर आके जो हमको खुशी मिल रही है दोस्तों, हम लोग आपको बता भी नहीं सकते कि हम लोग यहाँ पर कितना खुश हैं। तो सब लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए व्यू देखिए दोस्तों, ऐसा मन कर रहा है कि इस व्यू को देखते रहूं मैं। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत एक चील देखने को मिला है। ये देखिए कितना ज्यादा बड़ा है, ये कैसे उड़ रहा है भाई, लाइक अ किंग अबव द स्काई अबव ऑल। दोस्तों अभी हमने चाइना पीक का रास्ता आधा कवर कर लिया है, यहीं पर ही हमको 4 बज गए। तो जो वो नीचे अंकल जी थे वो हमसे बोले थे कि तुम लोग 3 बजे तक भी नहीं आ पाओगे, तो उनके बात सही थी। हम लोग ऊपर बहुत जल्दी पहुंच गए थे, पर उसके बाद जो ऊपर का व्यू था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था दोस्तों, वो देखने लायक था बिल्कुल। तभी हमको बहुत ज़्यादा देर लग गई वहाँ पर, हम लोग वीडियो शूट करने लग गए थे फोटोशूट, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे अपनी बाइक के पास। तो यह है देखिए दोस्तों रास्ता, तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमको छलांग मारनी पड़ेगी नीचे। ओहो हो, कैमरा नीचे हो गया ना, ये देखिए बिना किसी सपोर्ट के चलना पड़ रहा है और पाँव को एकदम से दबा दबा के चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए एकदम से ढलान। यहाँ से अब रहा होगा हमारा कम से कम 2 किलोमीटर नीचे रहा होगा, पर अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो नीचे ही है, चढ़ाई में होता है जरा, चढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अभी हम लोग पैदल ट्रैक करते करते आ गए नीचे अपनी दुकान पे, जहाँ पर हमने अपने हेलमेट रखे थे और जहाँ पे मैगी पॉइंट भी था, हम लोग वहाँ पर आ गए अपनी एकदम बाइक के पास में। तो देखिए दोस्तों आपको पीछे हमारी बाइक दिखाई दे रही होगी, ये देखिए सबसे आगे खड़ी है। अब लेते हैं दोस्तों मैगी का मज़ा, पहाड़ में मैगी ना खाई तो और क्या खाया। फिर हम लोग अभी बैठे हैं राणा जी मैगी पॉइंट के अंदर, तो फिर यहाँ पर हमारी मैगी आ गई है। देखिए दोस्तों ये देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और चाय भी आ गई हमारी। अगर पहाड़ में आके मैगी ना खाई तो क्या खाया, क्यों भाई, ये ऐसे खा लो तो फिर तो और तो बहुत ज़्यादा अंकल जी के वहाँ खा लो मैगी तो फिर एक तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैं भी लाइव आपके सामने जरा टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए चम्मच वो उठा के अंकल खाते हो, जादू क्या पूछो जरा अंकल से, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाई है अंकल जी। तो ये शॉप है अंकल जी की, बहुत धन्यवाद आपको, मैंने आपके अनुसार ही वैसी चटपट बहुत बढ़िया बनाई, पहाड़ों की फर्स्ट मैगी, पहाड़ों की बात ही है मैगी में है। तो फिर दोस्तों हम लोग भी अब करते हैं इस लाजवाब मैगी को एंजॉय, उसके बाद सीधा बैठते हैं बाइक में और चलते हैं सीधे नैनी झील की तरफ। यहाँ पे मैगी खा ली है, और जो यहाँ पे अंकल जी है उनने भी हमको बहुत अच्छी जानकारी दी इस जगह के बारे में, तो बहुत ज्यादा मजा आया हमको अंकल जी आपके मैगी खा के और इस जगह को देखकर। तो फिर हम लोग भी चलते हैं अपने घर को, अच्छा, और फिर अंकल जी को बोलते हैं बाय बाय, थैंक यू, फिर दोबारा आना। ठीक है ठीक है ठीक है अंकल जी। तो फिर उठा लिया हेलमेट, अब बैठते हैं सीधे अपनी बाइक में। देखिए तब से यहीं पर खड़ी है भाई। हम लोग किस टाइम पे आए थे, वैसे हमारा ट्रैक तो सही रहा, मज़ेदार एकदम। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा। क्यों भाई, बताना तो बनता ही है, तभी तो पता लगेगा। और आप बता सकते हैं कि हम लोग और किस टाइप के ब्लॉग बनाए दोस्तों, और मौसम भी एकदम ठंडा है यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे नैनीताल की तरफ, यहाँ से नीचे उतरते हैं इस पहाड़ से। दोस्तों तो यहाँ पे एक छोटी सी जरा सा दिक्कत हो गई है, जो हमारा पीछे वाला टायर है वो हो गया पंचर। अब हमारा टायर है ट्यूब वाला, तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है दोस्तों इसको खोलना, क्योंकि इसमें पीछे ABS है, तो इसको हर कोई यहाँ पे खोल भी नहीं सकता। तो हम लोग आ रखे हैं स्पेशल भैया के पास आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मैं इसको एकदम बढ़िया करके दूँगा। भैया इसको खोलते हैं, तब तक हम लोग लेते हैं नज़ारा इस झील का। ये देखिए दोस्तों सही हुआ हमारा यहाँ पर टायर, हमको पता चल गया, अच्छा वो ऊपर नहीं हुआ, और जहाँ पर चाइना पीक था वो है देखिए वहाँ पर, वहाँ से आ रखे हैं हम लोग, और यह है खूबसूरत नैनीताल।
यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा है। दोस्तों अभी हमारी बाइक का काम पूरा हो गया, तो ये खड़ी हमारी बाइक, और देखिए अभी हम लोग खड़े हैं नैनीताल के मेन चौराहे पे, और यहाँ से आप इस लेक का नज़ारा लीजिए। दोस्तों जो ये लाइटें हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, देखिए मज़ा आ गया देख के। नैनीताल झील पूरा चमक रहा है एकदम लाइटों से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। तो हम लोग भी अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर चलते हैं अपने घर को हल्द्वानी को। बाइक का काम तो हमारे हो गया, बाइक पीछे खड़ी है, तो फिर नदी हम लोग चले फिर घर को। भाई और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई है, और बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों एकदम, हम लोग बता नहीं सकते कि कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और अपने चैनल डीजे फिल्म जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर अब हम लोग आपसे मिलते हैं एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।